गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में अपन कोणीय संवेग के बारे में बात करेंगे। कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें वेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है और थोड़ा सोच के फिर कर पड़ता है। ठीक है, तो पहले मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ कि किसी जड़त्वीय फ्रेम में किसी क्षण रैखिक संवेग का, इसका एक एक शब्द ध्यान देने योग्य, रैखिक संवेग का किसी नियत बिंदु के प्रति आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है और घूर्णन गति में कोणीय संवेग का वही महत्व होता है जो रैखिक गति में रैखिक संवेग का होता है। ठीक है, कोणीय संवेग का मान कण के घूर्णन केंद्र से उसके स्थिति सदिश r तथा उसके रैखिक संवेग, रैखिक संवेग अगर पार्टिकल का मास m है, v उसकी लिनियर वेलोसिटी है, तो कितना होगा p इज इक्वल टू mv, तो रैखिक संवेग के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसको अपन j या l से प्रदर्शित करें। मैं इसको डायग्राम में बताता हूं कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ये घूर्णन गति कर रहा है इस पथ पे, किसके सापेक्ष, केंद्र के सापेक्ष, ये इसका ओरिजिन, इसका केंद्र है, और ये जो एक्सिस है उसकी z एक्सिस है, जो आप थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन लेते हैं तो ये उसकी z एक्सिस है, तो z एक्सिस के सापेक्ष ये घूर्णन कर रहा है, तो ये इसकी लीनियर वेलोसिटी बता रहा है। इस पर टेंजेंट डालेंगे तो ये लीनियर वेलोसिटी बता देगा और जिस दिशा में लीनियर वेलोसिटी होगी वही उसी दिशा में संवेग भी होगा। और इस जो कण का है स्थिति सदिश जो है केंद्र के सापेक्ष स्मॉल r बताया हुआ है। ठीक है, तो कोणीय संवेग क्या है, एक सदिश राशि होती है, इसी दिशा r और p के तल के लंबवत होती है, यानी कि r की दिशा के और p के दिशा दोनों के तल के लंबवत होगी तथा दाहिने हाथ के पेज के नियम से इसकी दिशा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, मान लिया अभी बताया भी था मैंने आपको p इज इक्वल टू mv है, तो नियत बिंदु से उसका स्थिति सदिश r है, अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, तो उसका कोणीय संवेग कितना जाएगा, j इज इक्वल टू r क्रॉस p या आर क्रॉस एम वी लिख सकते हो या एम इंटू आर क्रॉस वी कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर वन को अगर अपन आगे चलें तो जे इज टू आर क्रॉस पी है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, जे इज इकल टू आर पी साइन थीटा या एम वी आर साइन थीटा। मान लीजिए इक्वेशन नंबर दो है, यहां पर थीटा क्या है, आर तथा पी के मध्य का कोण है और यदि कोई कण वृत्ताकार में गति कर रहा है तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, जहां ओमेगा क्या है, कण का कोणीय वेग है। ये वैल्यूज अगर अपन इक्वेशन नंबर वन में रख दें तो क्या आ जाएगा, j इज इक्वल टू m इंटू r क्रॉस r ओमेगा क्रॉस r, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको अपन ओपन करते हैं, इसको यदि a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो a क्रॉस b क्रॉस सी वाला फॉर्मूला अगर पर लगाए तो क्या मिल जाएगा आपको, जे इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा इंटू आर डॉट आर माइनस आर इंटू आर डॉट ओमेगा, ये क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, अब आर डॉट ओमेगा को डिस्कस करें तो आर और ओमेगा के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, और आर डॉट ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा कॉस थीटा, और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 इक्वल टू जीरो, तो आर डॉट ओमेगा कितना हो जाएगा, ये वाली टर्म जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है यहां पर, ये जीरो हो जाएगी, तो इसको अपन यहां छोड़ देते हैं। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, जे इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, और एम आर स्क्वायर ओमेगा को अपन क्या लिख देते हैं, आई ओमेगा, यहां पर आई क्या है,
कण का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व अवगुण है। यह इन्होंने बता भी रखा है कि आर डॉट ओमेगा इजिकल टू जीरो पर जब समझाया था तो अपन क्या लिख सकते हैं, जे इजिकल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा या जे इजिकल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो जे तथा ओमेगा की दिशा समान होती है और जे एक एक्सियल वेक्टर होता है। अब यदि जो आपकी इक्वेशन नंबर वन थी, जो बेसिक इक्वेशन थी, उसको यदि अपन कंपोनेंट की फॉर्म में कहें तो उस तरह से आ जाएंगे, इस तरह से जे इज टू आर क्रॉस पी। इसको यदि डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा तो ये आ गया। इसको यदि ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे इज इक्वल टू आई इन टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे इन टू जेड पी माइनस एक्स पी जेड प्लस के इन टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपकी पांच है। और इस जे को भी यदि अपन कंपोनेंट फॉर्म में लिख दें तो आपको ये क्वेश्चन नंबर छह मिल जाएगी। और इक्वेशन नंबर पांच को दोबारा लिखते हैं जिसकी वैल्यू यहां पर, तो क्या लिखते हैं, आई जे एक्स प्लस जे जे वाई प्लस के जे जेड इक्वल्स टू आई इंटू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे इंटू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के इंटू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये इक्वेशन आ गई। अब आई जेड के गुणांक को कितना कर लें तो हमको आता है जे एक्स इक्वल्स टू आता है ये जे की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, इसके बराबर, और इस जे वाई की वैल्यू इसके बराबर जाएगी, और इसी तरह से जे जेड की वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो मैं बोल ही देता हूं, एक्स इक्वल्स टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, जे वाई इक्वल्स टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, जे जेड इक्वल्स टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सात है। कोणीय संवेग का मात्रक की बात लें अपन, इसकी यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड सीजे सिस्टम में, और एमके सिस्टम के अंदर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या इसको अपन जूल सेकेंड भी कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास मिलेंगे।